फरवरी में शायद स्टार्टिंग फरवरी में ही हमें लग रहा है तुम लोग की डेट से शायद आ जाएगी सबकी, एनसीआईएसएम के द्वारा जो भी सिलेबस है। तो हम लोग पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सब्जेक्ट तो तुम्हारे देखो सबसे टफेस्ट जो सब्जेक्ट आता है, समझते हैं सब लोग कि अगर तंत्र टॉक्सिकोलॉजी सबसे आसान है, लेकिन जो सबसे टफेस्ट मार्किंग होती है वो टॉक्सिकोलॉजी में ही होती है। और स्वस्थ रस तुम्हारा ले लो, तो जो स्वस्थ रस सब्जेक्ट है तो स्वस्थ रस तुम्हारा इजी होता है। सब सोचते हैं स्वस्थ रस में बैक आ जाएगी या नंबर, लेकिन स्वस्थ रस तुम लोग का इजी पड़ता है। अगर उसका बस फर्स्ट पोर्शन तैयार कर लो और सेकंड पोर्शन में मोस्टली तुम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर लो जितनी मॉडर्न वाली है, तो वो तुम्हारा स्वस्थ रस वाला आसानी से निकल जाता है। सबसे टफेस्ट तुम्हारी संहिता हो गई और एक अगध हो गया, उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी है क्योंकि उसमें से थोड़ा चांसेस रहते हैं बैक। उसमें मार्किंग मतलब जिस हिसाब से मार्किंग होनी चाहिए उस हिसाब से मार्किंग बहुत एवरेज करते हैं उसमें, एक टॉक्सिकोलॉजी और दूसरा तुम्हारा संहिता वगैरह जो भी हो गया। ठीक है, तो तुम्हारे में संहिता का शायद कितने चैप्टर से है, 13 से लेकर 30 तक है। विमान निदान ये सब मोस्टली आ ही गए हैं, बाकी 13 से लेकर कल मैं देख लूंगी सिलेबस में। आज पैथोलॉजी का देखते हैं। पैथोलॉजी देखो, पैथोलॉजी इतना टफेस्ट नहीं है अगर तुम लोग एक स्ट्रेटजी बना के, अगर मतलब तुम लोग पढ़ते रहो। डिजीज हो गई जैसे सेकंड पोर्शन, जो सेकंड पोर्शन होगा वो मोस्टली तुम लोग का डिजीज वाला होगा, जैसे जिसमें ज्वर हो गया। आयुर्वेद के साथ मॉडर्न भी लेके चलना है, अगर ऐसे चलोगे तो तुम लोग का सेकंड पोर्शन बहुत आसान है। फर्स्ट में कुछ नहीं है तुम लोग का, क्योंकि एनसीआई से तुम लोग का डिवाइड कर दिया है। तो जो फर्स्ट वाला पोर्शन है उसमें तुम लोग का मोस्टली सिर्फ आयुर्वेद टॉपिक आ गए हैं। आयुर्वेद टॉपिक में जैसे तुम्हारे सब बड़े आसान आसान है, बस तुम लोग को एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तैयार करना है। उसमें ही छोटे छोटे पार्टीशन करके तुम लोग के सिलेबस में डिवाइड कर दिया गया है। मान लो रोग रोगी परीक्षा है, रोग निदान है, पंच निदान है, रोग परीक्षा अलग है, रोगी परीक्षा अलग है, व्याधि हो गया, व्याधि उपचय, ठीक रूप, ये सब तुम लोग का पूरा डिटेल में है। लेकिन उसके छोटे छोटे टॉपिक करके तुम लोग के पूरे सिलेबस में डिवाइड कर दिया गया। जो पहले के बच्चे थे उनमें पूरा पूरा सिलेबस दिया जाता था, मतलब पूरा डिटेल में 15 मार्क्स का लॉन्ग हो गया, 10 मार्क्स का लॉन्ग हो गया, लेकिन तुम लोग में डिवाइड कर दिया गया। तो बहुत अच्छी बात है तुम लोग के आगे, मतलब अगर नेक्स्ट है तो नेक्स्ट के लिए भी और एमसीक्यू के लिए, जो 20 मार्क्स का एमसीक्यू आता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किताब सबकी अलग अलग होगी, बुक्स भी अलग होगी। ठीक है, कोई कोई अलग अलग सिलेबस की बुक्स लिए होगा, लेकिन बीके द्विवेदी की किताब बहुत अच्छी है। अगर तुम लोग मतलब सारे टॉपिक आयुर्वेद वाले कवर करना चाहो तो बीके द्विवेदी विकृति विज्ञान रोग निदान एंड विकृति विज्ञान वाला टॉप बुक खरीद लेना, और इससे मतलब पूरा रिवीजन करना वो अच्छी बुक है। बाकी नोट्स तो हम पीडीएफ में पूरे शेयरिंग करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि तुम लोग अलग से लिख लो, अगर पेन वगैरह लेके बैठे हो तो अलग से कहीं नोट कर लो। एक रोग रोगी परीक्षा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए आज हम किसी भी टॉपिक का डिटेल नहीं बताएंगे। कल से शुरू करेंगे, तो सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे तो कल से उसमें प्रॉपर ये मतलब सारी बताएंगे। रोगी परीक्षा एक किसी की वॉइस आ रही है जिसका भी वीडियो वगैरह ऑन हो ऑफ कर लो प्रॉपर। हाँ ठीक है, अपना म्यूट रखो सब लोग। एक रोग रोगी परीक्षा है, पंच निदान आपने पढ़ा होगा, पैथोलॉजी में निदान पंचल को बोलते हैं। पंच निदान की सहायता से रोग रोगी परीक्षा करते हैं, जैसे रूप पूर्व हेतु उपचार संप्राप्ति, संप्राप्ति पैथोजेनेसिस को बोलते हैं। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी भी कल ही डिटेल में बता देंगे। तो पंच निदान ठीक है, ये क्वेश्चन। उसके बाद पूछता है तुम्हारे दोषज विकार, इंद्रिय प्रदोषक विकार हो गए, मल प्रदोषक विकार हो गए, ठीक है, ये सब मल दोष धातु ये सब के प्रदोषक विकार अलग से क्वेश्चन। उसके बाद साम निराम, ये टॉपिक साम हो गया निराम हो गया, साम क्या है और निराम क्या है, इसके लक्षण हो गए, इसके रूप हो गए, ये डिटेल में टॉपिक हो गया। स्रोतो दृष्टि, क्योंकि आपका जो सेकंड पैथोलॉजी का पोर्शन है उसमें स्रोतो दृष्टि की प्रॉपर एक अलग अलग स्रोतक की डिजीज दी गई है, जैसे प्राणवय स्रोतक उसकी अलग डिजीज है, अन्यवय स्रोतक की अरुचि अलसक विसूचिका ये सब तुम्हारी अलग डिटेल में पूछी गई है। ठीक है, तो अलग अलग स्रोतक की उदक व श्रोतक होता, तो ऐसे ऐसे करके श्रोतक ले लेके चलेंगे तो तुम्हारी डिजीज भी कवर हो जाएंगी, एक आयुर्वेद वाली और मॉडर्न वाली। अगला कॉन्सेप्ट तुम्हारा कौन सा आता है, स्थान समस्त पूर्व रूप, पूर्व रूप का एक अलग से तुम्हारे में क्वेश्चन पूछेगा, पूर्व रूप क्या है, पूर्व रूप के लक्षण क्या है, पूर्व रूप की पूरी डिटेल। ठीक,
और बाकी छोटे छोटे टॉपिक पूछ देगा, मान लो दो दो नंबर, एक एक 5 5 मार्क्स में 2 नंबर का तो नहीं आएगा, तुम्हारे में मल्टीपल चॉइस आएगा, तो 5 5 नंबर का पूछ सकता है, रूप पूछ लेगा, पूर्व रूप पूछ लेगा, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग अनुपसर्ग क्या है, डिफरेंस ये पूछ देगा। और अगर 10 मार्क्स में देगा तो जनपद ध्वंस, जनपद ध्वंस एक पैंडेमिक डिजीज डिसऑर्डर, स्वस्थ व्रत में तुम डिटेल से पढ़ोगे, काफी डिटेल है, लेकिन यहाँ इतना डिटेल नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इतना आएगा जनपद ध्वंस, जिसमें 4 कारण होते हैं, वायु जल भूमि और एक और होता है, जब बनाएंगे तभी बताएंगे, तो ये डिटेल में हो गया। और क्या, निदानार्थक रोग, जो कि तुम लोग ऑलरेडी चरक में भी पढ़ोगे, चरक निदान स्थान के 8वें चैप्टर में, लास्ट में ही जाओगे तो निदान स्थान का 8वां चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है, वहां पे अलग से निदानार्थक रोग दिए गए हैं, उसको याद करवाने की हम तुमको ट्रिक बता देंगे, तो तुम्हें रटने पड़ेंगे, मतलब उसमें सब ज्वर है, ज्वर के बाद फिर रक्त, फिर रक्त के बाद फिर गुल्म, गुल्म के बाद प्रमेह, तो ऐसे 8 जो प्रॉपर है वो चीजें। उसके बाद धातु पाक, इन्फेक्शियस एंड न्यूट्रिशन डिसऑर्डर का अलग से एक मॉडर्न टॉपिक आएगा, जो तुम्हारे फर्स्ट पोर्शन में दिया है, पहले सेकंड में, सेकंड में ना देते। हाँ ही करे थे दबाना। हेलो, हाँ हाँ बोलो। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर देना, टाइप कर देना प्रॉपर, ठीक है? किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, या फिर नोट्स, क्योंकि आज मैं नहीं शेयर करूंगी, जैसे जैसे टॉपिक बनेंगे वैसे वैसे नोट्स मैं बताती जाऊंगी, ठीक है? इतना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, मेरे पास टाइम इसी की बहुत कमी रहती है, इस वजह से। तो जो भी इंक्वायरी हो, ये जो भी डाउट्स आ रहे हो कि हम ये मतलब कवर कर चुके हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, हम उसी को लेके पूरा आपको जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि आपका कवर हो जाए, क्योंकि पूरा डिटेल पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, 3 महीने में एग्जाम है, फरवरी में एग्जाम है, टाइम आपके पास, आप अक्टूबर भी हटा दो तो आपके पास सिर्फ नवंबर दिसंबर जनवरी, प्रॉपर 3 महीने हैं, और प्रॉपर 3 महीने में आपको पूरा स्पीडली खुद से तो पढ़ना है, बाकी हम पूरा जितना रिवीजन होगा उतना जल्दी जल्दी आपको टॉपिक बताते जाएंगे, इंपॉर्टेंट बताते जाएंगे, पढ़ते जाना। अगर अलग से किसी को, मान लो अगर क्लास करनी, कि अलग से कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उसमें क्या पढ़े, तो वो प्रॉपरली मैसेज कर सकता है, या फिर जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर नासु, उनसे कॉन्टेक्ट करके फिर पूछ सकता है, ठीक है? अरिष्ट, अरिष्ट आप इंद्रिय स्थान में पढ़ते हो, ठीक है? चरक संहिता के अरिष्ट आप पढ़ोगे, क्या नाम, इंद्रिय स्थान का पूरा एक अरिष्ट है, उसमें डिटेल में है, अगर इंद्रिय स्थान आपको जब संहिता पढ़ोगे तो प्रॉपर यहाँ का अरिष्ट भी कवर होगा, यहाँ शॉर्ट में है, यहाँ पे लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, अरिष्ट क्या है, दोष विषय का दूत विषय अरिष्ट क्या है, अरिष्ट लक्षण क्या क्या है, गंध विषय अरिष्ट, मतलब प्रॉपर सबके अलग अलग अरिष्ट है, अरिष्ट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? उसके बाद साध साधसा, ठीक है? उसका प्रोग्नोसिस कि कैसे साध है असाध है, या साध निर्णय में पढ़ के आ चुके हो तुम लोग, कि कृत साध है या यह मतलब याप है, असाध है, ठीक है? बाकी चरक भी पढ़ोगे, 7वां चैप्टर है, 7 ना कि 11वां है, तो उसमें भी डिटेल में दिया है, ठीक है? तो ये भी तुम्हारे यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीपल चॉइस बना सकते हैं, या फिर तुम्हारा 5 नंबर में दे सकते हैं, लॉन्ग में तो नहीं देंगे। तो ये तुम्हारे टॉपिक है फर्स्ट पोर्शन के, ठीक, जो पैथोलॉजी के फर्स्ट पोर्शन के, इतने में पूरा तुम्हारा तुम्हारा तो बहुत सिलेबस शॉर्ट हो गया है, पहले तो बहुत डिटेल में रहता था, तो कुछ नहीं है, अगर तुम लोग 3 दिन 2 दिन बैठ के अगर पूरी तुम लोग आयुर्वेद अगर देख लोगे तो तुम्हारा आराम से पैथोलॉजी निकल जाएगा। और सेकेंड पोर्शन में आती है डिजीज, और डिजीज में भी क्या क्या, तुम लोग को ट्रीटमेंट नहीं पढ़ना है, क्योंकि ट्रीटमेंट केसी में है, जब तुम लोग नेक्स्ट ईयर जाओगे 3rd ईयर में, तो वहां तुम्हारा केसी डिटेल में आएगा, जिसमें प्रॉपर डिजीज की ट्रीटमेंट भी क्या होती है, चिकित्सा क्या होती है, ठीक है? चरक चिकित्सा वो सब हटा दो, अभी तुम लोग को डिजीज में क्या पढ़ना है पैथोलॉजी में, सिर्फ उसका कॉजेटिव फैक्टर, उसका कॉजेटिव फैक्टर क्या है, उसका ट्रांसमिशन क्या है, वो कैसे कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है? उसका ड्रॉपलेट से हो रहा है, एयर से हो रहा है, कैसे मतलब वो जो व्याधि है वो कैसे फैल रही है, ठीक है? मान लो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मलेरिया ले लेती है, ठीक है? तो मलेरिया सबको पता है कि एनाफिलीज मतलब मच्छरों से फैलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मलेरिया भी गंदगी से फैलती है, उसको डिटेल में पढ़ोगे तब समझोगे। तो उस तक कैसे, मान लो किसी किसी के नाखून गंदे हैं, किसी के हाथ गंदे हैं, तो आपको वो व्याधि टाइफाइड हो गया, मतलब ये सब आपकी आ जाती है पॉजिटिव में, फैलने वाली संक्रामक जिसको बोलते हैं, ठीक है? संक्रामक व्याधियां, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये हो गई तुम्हारी व्याधियों में क्या क्या, अब तुम व्याधियों में क्या, पहले तुमने कॉजेटिव फैक्टर बना लिया, डायग्नोजन बना लिया, उसके बाद उसका
प्रॉपर पैथोलॉजी, क्योंकि पैथोलॉजी पढ़ रहे हो तो पैथोलॉजी तो मेन तुमको आनी चाहिए, लेकिन पैथोलॉजी भी सच्ची नहीं पूछता है, उसको बनाने के लिए ट्रिक होती है, मतलब लिखने का तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि सबकी पैथोलॉजी रट रहे हैं बैठ के, अगर मॉडर्न में रटने बैठेंगे तो सब ऐसे याद भी नहीं होता है। और पता चले अब इसको आयुर्वेद वाले में देखो तो संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस मतलब संप्राप्ति, वही पैथोलॉजी। तो संप्राप्ति ज्वर की मार लो, संप्राप्ति बनानी है तो ज्वर की मार पूरा चक्र बना के, संप्राप्ति चक्र बना के एरो मार्क बना के उसका रट रहा है, नहीं रटोगे कभी नहीं याद होती है। उसका एक तरीका होता है प्रॉपर, उसको कैसे 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 उसको मतलब दिमाग लगा के कि मान लो अगर अम्ल पित्त हो रहा है तो अम्ल पित्त है तो पित्त तो बढ़ेगा ही, पित्त दोष बढ़ेगा साथ में अम्ल भी निकलेगा, तो अम्ल पित्त और पित्त जो दोष, जब दोषों की समझना वहां पर दोष स्रोतस बंद हो जाते हैं तो हमारा अम्ल पित्त होता है। ऐसे करके थोड़ा सा कलाकारी वगैरह करके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जिसके मार्किंग अच्छी हो और वहां पे ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े। अब यही तुम्हारा मॉडर्न होता है, पैथोजेनेसिस हमारी हो गई, पैथोलॉजी पढ़ ली हमने। अब इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, डिजीज लिखने का प्रॉपर तरीका बता रहा है सेकंड पोर्शन, बाद में स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि कैसे उसको तुम, कोई डिजीज मान लो आ गई तुम्हारी, मान लो मलेरिया आ गई तुम्हारी, क्या नाम है पेन आ गया तुम्हारा, कोई भी डिजीज दे दी, तो सबसे पहले तुम्हारी क्या रहेगी उसका जैसे चैप्टर क्या होगा, उसका ट्रांजिशन क्या होगा, उसकी डिफिनीशन क्या होगी, डिफिनीशन या इंट्रोडक्शन, ठीक है, 10 पॉइंट हो गए। फिर उसकी पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के बाद फिर क्या लाते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पैथोलॉजी में मेन क्या होता है पैथ प्लस लैब, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड। तो हम लोग पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशन क्या, सीटी स्कैन करवाना है, MRI है, USG है, या WBC है, ल्यूकोसाइट है, मतलब क्या हम कर रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं, टेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन। लास्ट में किसी किसी में डायग्नोसिस, क्या डायग्नोस किया तुमने, क्या निकल के आया, बस यही तक तुम्हें पेपर में लिखना है। अब वहां पे बहुत मल्टी टैलेंटेड बन के कोई कोई होंगे बच्चे जो कि मल्टी टैलेंट बन जाते हैं, ट्रीटमेंट भी क्योंकि किताब में तो ट्रीटमेंट नहीं लिखना है, ट्रीटमेंट तुमने अभी केस ही पढ़ी नहीं है, काय चिकित्सा पढ़ी नहीं है, ट्रीटमेंट तुम कहाँ से लोगे, तो वहां पे कभी कभी एग्जामिनर कुछ कुछ सटके होते हैं जो काट देते हैं कि मतलब सेकेंड ईयर का बच्चा अरे इतना इंटेलिजेंट है तो मतलब वो भी लिख रहा है, तो केसी का ट्रीटमेंट भी लिखना है, इतना इंटेलिजेंट है। तो कोई कोई अच्छा होता नंबर दे देता है भाई अच्छा बच्चे को आता, लेकिन कोई कोई वहां पर चटक जाता है कि वो काट देता है, कहता कि अरे कुछ ओवर ही लिख दिया। तो आपको कहाँ तक पॉइंट कवर करने हैं, इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, कॉजेटिव फैक्टर, ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट, और इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, स्वस्थ व्रत में मेनली क्या था इंक्यूबेशन पीरियड, यहाँ पैथोलॉजी में भी तुम ऐड कर सकते हो कि कब से कब तक वो रह रहा है। मान लो टाइफाइड है तो 1 हफ्ते का टाइम हो गया, 2 से 8 डे, ठीक है, 2 से मतलब 15 दिन तक मान लें तो इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, पैथोलॉजी होगी, पैथोजेनेसिस बना दी उसकी, उसके बाद क्या होगा इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस, ये तुम्हारा कवर हुआ पूरा क्या हमारा सेकंड। तो सेकंड पोर्शन में तुम्हारे में कुछ भी आयुर्वेद का टॉपिक नहीं दिया गया है, जितना तुम्हारा NCERT का सिलेबस है उसमें सब सब प्रश्रोतस के अकॉर्डिंग सारी तुम्हारी डिजीज आई है, अन्नवय श्रोतस, प्राणवय श्रोतस, उसके बाद तुम्हारी इधर मूत्रवय श्रोतस आ गई, पुरुषवय श्रोतस आ गई, उसके से कोरिलेट करके उन्हें मॉडर्न रख दिया है। मान लो राजमा है तो ट्यूबरकुलोसिस दे दिया, ठीक है, अब मान लो तुम्हारा अगर अन्नवय श्रोत चला तो GIT दे दिया, ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दे दिया, बाउल डिजीजेस देगी, हिक्का का श्वास, ये सब प्राणवय श्रोत की व्याधियां हैं। ज्वर हो गया, ज्वर में अब तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट ज्वर पूछे गए हैं जैसे मसूरिका हो गया, रोमांसिका हो गया, ये सब अलग से पूछ सकता है, मीजल्स है ना। तो आयुर्वेद मॉडर्न पोर्शन को कवर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, हम हर बच्चे की बोल रहे हैं अगर जिसको जिसकी मॉडर्न अच्छी है, ठीक है, वैसे तो बैलेंस करके चलना चाहिए, जिसकी मॉडर्न अच्छी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर में कि आप मॉडर्न बहुत अच्छी है तो मॉडर्न का पूरा क्वेश्चन करके चले आए, आपको आयुर्वेद टर्मोलॉजी नहीं पता है, क्योंकि अभी आप जब लास्ट ईयर थर्ड ईयर में जाओगे, जब साला के पढ़ोगे, केसी पढ़ोगे, तो आपको वहाँ बहुत कंफ्यूजन होगा कि चला जियोन डिजीज है तो उत्संगनी है कि अजनामिका है, तो हमेशा गायनी पढ़ोगे तो बहुत बहुत कंफ्यूजन होगा कि श्वेत सदर है, रक्त सदर है, तो मतलब अजल, मतलब इतनी टर्मोलॉजी कठिन है कि आपको ये हमेशा टंग टूटिक होना चाहिए कि हमें आयुर्वेद भी पढ़ना है और मॉडर्न भी पढ़ना है। अब किसी की आयुर्वेद अच्छी हो सकती है, कोई बच्चा होगा जिसकी आयुर्वेद अच्छी है, उसको श्लोका बहुत अच्छे याद हो जाते होंगे, पूरे पूरे श्लोका याद हो जाते होंगे, रट जाते होंगे, हिंदी भी पता होगी, लेकिन उसको मॉडर्न नहीं आता होगा, तो वहां पे क्या आपका काम तो चल जाएगा। एग्जाम में मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको मान लो 5 नंबर दे देगा, 6 नंबर दे देगा, लेकिन अगर आपको 10 में 8 नंबर चाहिए, इतना करने के बाद भी मान लो 100 नंबर का पेपर है, आपको 2 पेपर होंगे फर्स्ट एंड सेकंड, 100 नंबर का पेपर है और मान लो आपको
100 में से आपको मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 में आपको चाहिए 9, 9 नंबर आपको चाहिए या 8, तो आप सोचो आपके पास क्वेश्चन मान लो आया आर्टिकेरिया, ठीक है, हम सेकंड डिजीज उठा रहे हैं आर्टिकेरिया, आर्टिकेरिया का क्वेश्चन आया, अब वहां पे आपको 8 नंबर कैसे आएंगे, जब आप वहाँ आर्टिकेरिया के साथ लिखोगे शीत पित्त, आपको ये भी पता होना चाहिए, आर्टिकेरिया तो सबको पता है मॉडर्न में, हाँ ठीक है आर्टिकेरिया रे जब ऐसा हो ये कॉजेटिव सब कुछ लिख दिया आपने, लेकिन आपको नेम तो पता ही नहीं है, आप डॉक्टर बन रहे हो आगे जाके फिजिशियन बनोगे या जो भी बनोगे, आपको नेम तो पता ही नहीं कि आर्टिकेरिया होता क्या है, आर्टिकेरिया शीत पित्त, तो वो जब आप ऐड कर दोगे जिसकी जो अच्छा हो वो पहले प्रिफरेंस करो, अगर जिसकी मॉडर्न अच्छी है तो वो मॉडर्न क्वेश्चन वाली को पहले थोड़ा सा एक पेज छोड़ो, एक पेज के बाद फिर वहां पे आयुर्वेद ऐड करो, और जिसका आयुर्वेद अच्छा है तो आयुर्वेद से स्टार्ट करो, फिर लास्ट में एक पेज में एक पेज को मैक्सिमम मॉडर्न लिखो, अगर क्वेश्चन पे अगर वहां एग्जाम ने स्पेशली लिख के दिया है कि स्पेशली तुमको हाँ मीजल्स ही लिखना है, तो आप आधा पेज लिख सकते हो कि हाँ मीजल्स को कुछ आचार्यों ने ऐसे 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 मतलब रोमांटिका से जैसे महसूस किया ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत लिख सकते हो, बाकी वहां पे आप मीजल्स लिख दो, ये लिखने का तरीका होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नंबर लाने का, बाकी मल्टीपल तुम्हारे लोग में एक ऑप्शन बहुत अच्छा हो गया कि 20 क्वेश्चन तो सॉलिड जिसके हो गए तो अच्छे नंबर, नहीं हो गए तो जयराम जी ठीक, तो 20 क्वेश्चन जो तुम्हारे हो गए वो तो तुमको तब ही तुम्हारे बिल्कुल सही होंगे जब तुम लोगों ने किताबें उठाई होंगी, मतलब तुम लोगों ने प्रॉपर आयुर्वेद पढ़ा होगा, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं वो क्लिनिकल से तुमको बता रहे, क्लिनिकल से मुश्किल से तुम्हारा 20% बनेगा, क्लिनिकल से कितना भी आप बिल्कुल रट के बैठ जाओ, और मोस्टली सारा क्वेश्चन सब आयुर्वेद से पुटअप होगा, पंच निदान क्या है, रोग में रोग रोगी परीक्षा क्या है, और त्रिविध में चरक ने त्रिविध कितनी परीक्षाएं मानी है, दर्शन स्पर्शन इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारा कई जो बाद में उनके 20 नंबर बचते हैं उसमें वो मॉडर्न क्वेश्चन बना देते हैं, इम्यूनिटी बताओ, ओज ओज व्यापार वो ठीक है, उस ओज से रिलेटेड आपका इम्यूनिटी बना देंगे, एड्स के क्वेश्चन बना देंगे, या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर बना देंगे, लेकिन अष्टनिंदित पता होना चाहिए आपको कि अष्टनिंदित क्या है, तब आप एंडोक्राइन वाला कर पाओगे, तो पढ़ना ऐसे है 2-3 महीने का समय, 2-3 महीने का, तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, फिर पेपर में कुछ भी आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और मैंने बोला ना सबसे टफेस्ट अगद पड़ता है, अगर टॉक्सिकोलॉजी को जो भी सिंपली आसान ले रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी में यार बस हम सारे श्लोक रट के बैठ गए हैं और सारा मुझे सब कुछ याद है रटा है तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं, उसमें मार्किंग बहुत खराब होती है, अलग अलग जगह की बात है, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसमें मार्किंग बहुत बुरी करते हैं, एक तुम्हारी ये संहिता हो गई, संहिता में आप कितना भी अच्छा सच कर लो लेकिन संहिता में बहुत बुरी मार्किंग करते हैं अगर आपने उसे, और दूसरा अगर बाकी तुम्हारा ये स्वस्थवत हो गया, तुम्हारा ये पैथोलॉजी हो गया, तो ये सब हो जाता है, इसमें डिजीज मजबूत रखनी है और फर्स्ट पोर्शन आयुर्वेदा वाला मजबूत रखना है, तो ये तुम्हारा आराम से निकल जाएगा, आराम से 100 में मतलब बहुत अच्छा बच्चा है तो आराम से 75-80+ चले जाएंगे, और एवरेज बच्चा भी हो तो अगर वो स्ट्रेटजी से पढ़ाई करेगा तो उससे आराम से 60-60+ हो जाएंगे, आराम से इतना मतलब कवर करना है, और बहुत टॉपिक नहीं है पैथोलॉजी के फर्स्ट पोर्शन में, तो कुछ नहीं है बस सिर्फ आयुर्वेद है, अगर बीके द्विवेदी आपके पास नहीं है तो नोट्स हम आपको एक एक क्लियरली आ रहा है, आपको ऑप्शन लिख देना है, जो आपको लग रहा नहीं आ रहा है उसका नंबर डाल के जगह छोड़ देनी है, ठीक है 10 नंबर डाल के 10 की जगह छोड़ देनी है, फिर 20, फिर ऐसे पूरे 20, ठीक है, तो जो अब 20 में जितने आपको सॉलिड आ गए उतने आपको तुरंत लिख देने हैं, और जितने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार इसका ऑप्शन ये होगा या इसका ऑप्शन ये होगा, कुछ ना कुछ मुझे कंफ्यूजन है या यार यार ये गलत तो नहीं, तो उसको लिखना नहीं, उसको जगह छोड़ देनी है, नंबर एक रिक्त स्थान मतलब स्पेस छोड़ देना। अब 5 नंबर में आ जाओ, जिन कुछ बच्चों को 5 नंबर वाले अच्छे आते हैं, कुछ बच्चों को 10 नंबर वाले अच्छे आते हैं, ठीक है, तरीका बताएं, दोनों आप कर सकते हो जो आपको पहले आ रहा हो, 5 नंबर में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि 40 पेज की कॉपी होती है बड़ी कॉपी, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 पेज कवर करने हैं, ध्यान रखना, उसके एक्स्ट्रा लिखना आपका टाइम टेकन है, टाइम वेस्टेज है,
कि आप अगर सोचो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में मैं 4 पेज लिख रहा हूँ तो वो कोई मतलब नहीं है लिखने का, आपका सिर्फ टाइम जाएगा और आपके नंबर उतने ही रहेंगे। जो बहुत अच्छा बच्चा है पॉइंट टू पॉइंट 2 पेज लिखा होगा उसको भी उतने नंबर देगा 5 में 3, और जो आपने 4 पेज भरे होंगे आपको भी उतने देगा 5 में 3। ये मैक्सिमम मार्किंग है 5 में 3 नंबर। 5 में 4 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हो तब 5 में 4 नंबर देता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 2 से 2.5, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 से 2.5 मतलब 2 to 2.5 इतना, ठीक है। इससे ज्यादा आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन कोई आ रहा हो कि नहीं आपको यार 5 में 4 5 में 5 दे दे तो आप 3 पेज कर सकते हो, लेकिन ये आपका एक क्राइटेरिया होना कि इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा नहीं। अब आते हैं 10 नंबर वाले। 10 नंबर वाला क्वेश्चन लॉन्ग होता है, ठीक है। उन्होंने मार्किंग कम कर दी, उन्होंने इसीलिए ये मतलब एमसीआईएसएम ने 20 वाला ऑप्शन इसीलिए रखा है ताकि सारे बच्चे पास हो जाए, मतलब बहुत कम से कम भी लिखेंगे तो 20 में उनसे मान लो 15 भी आ जाएंगे और 14 ठीक है या 13 इतने भी आ जाएंगे मतलब, तो उनको भी हम पास कर देंगे, ये उनका क्राइटेरिया सेट है, इसीलिए उन्होंने ऐसा वो किया है। अब मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम पेज आपको मान लो आयुर्वेद मॉडर्न आप दोनों मिला दिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कितना 5 पेज, 5 ओनली 5। अब कुछ महारथी होते हैं 8 पेज 9 पेज 7 पेज होते हैं कुछ महारथी जिनको इतना इतना लग रहा है पूरी रामायण लिख रहे हैं पूरी गाथा लिख रहे हैं, अरे मेरे एक ही क्वेश्चन पास कर देगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ टाइम वेस्ट है, जो आपका टाइम वेस्ट होता है वहां पे समय जाता है। आपका पूरा पेपर इस हिसाब से करना है कि आपके मार्क्स भी अच्छे आए और पूरा पेपर एक ही बार में पास हो जाए। वहां पे कुछ महारथी होते हैं, अरे मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा, अरे ज्वर आ गया, अरे ज्वर आ गया, आप देखो हम ज्वर में पूरे 12 पेज लिख के आएंगे, अरे पैरेक्सिया दे दिया, फीवर है, अब देखो अब देखो हम कैसे, बस हमें यही ज्वर ही तो आना था और ज्वर आना तो अब देखो हम पूरे 13 पेज कवर करेंगे, पूरा 13। चूतियापन है वहां पे, कभी मत करना आप लोग ऐसा, करना सिर्फ आपका समय बर्बाद और पैथोलॉजी का आधा पेपर छूट जाएगा, क्योंकि ज्वर सबसे बड़ा टॉपिक होता है। जो फीवर में हम बताएंगे बस कितने पॉइंट लिखने रहते हैं, फीवर चाहे अभी हो चाहे फिर आगे आपका केसी वाला पोर्शन हो मतलब थर्ड ईयर में हो तब भी हम बताएंगे। बहुत तो ज्वर सबसे बड़ा टॉपिक होता है और ज्वर को बच्चों कभी 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 कवर नहीं कर पाते हैं, तो उससे पूरा जितना ज्वर पड़े पूरा किताब का छापने लगते हैं, अब वो बहुत बहुत वहाँ नंबर वो मार्किंग भी जाती है टाइम भी जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को आपकी स्किल चेक करनी रहती है कि वास्तव में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपको कुछ आता है उसके बारे में तो नहीं आता है। अगर आप उसके बारे में थोड़ा भी पॉइंट टू पॉइंट लिख दोगे ना वो बिल्कुल फेयर नंबर देके आगे बढ़ जाएगा, ये मार्किंग करता है। लेकिन अगर आप रामायण महाभारत ये सब लिखने बैठ गए, कुछ बच्चे तो बीच बीच में पता नहीं क्या क्या कौन सी लैंग्वेज लिख देते, गाना वगैरह भी, तो वो बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, उससे तो और एग्जामिनर ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। ये अच्छा रुको भी बताते हैं, ऐसे एग्जामिनर होते हैं चंचल। तो आपको सबसे पहले वहां पे क्या है 10 मार्क्स का मान लो क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स में आपको मैक्सिमम 5 पेज, ठीक है, मैक्सिमम से 5 एंड मिनिमम से मिनिमम 4 पेज पॉइंट टू पॉइंट, जितना पॉइंट टू पॉइंट कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो 4 मिनिमम मैक्सिमम 5 पॉइंट टू पॉइंट, आपके पूरे 10 में से 9 8 पूरे नंबर आएंगे। बहुत ज्यादा किसी को मन हो रहा है कि नहीं मेरा क्वेश्चन कवर नहीं हुआ है, इस हिसाब से आप हमेशा स्ट्रेटजी बनाओ कि हमेशा आपका क्वेश्चन कवर हो। मान लो किसी का क्वेश्चन कवर नहीं हो रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 पेज कर सकता है, 6 पेज मान लो और बढ़ा दो, लेकिन इससे ज्यादा मत करना। अगर आपने 5 पेज लिख दिए हैं सफिशियंट, आपने उसका पूरा आयुर्वेद डिफिनीजन प्रॉपर जो भी क्वेश्चन आए किसी भी सब्जेक्ट का उसका मॉडर्न लिख दिया है, आपके 5 पेज हो गए, बहुत मन हो रहा है आधा और बढ़ा दो, 5.5 कर दो, 5.5 कर दो, बस आपका नंबर पूरा सॉलिड आ जाएगा इसके। और अब आपको लग रहा है कि अरे मेरा समय जा रहा है तो क्या करिए, 4 पेज में ही वो क्वेश्चन स्टॉप कर दीजिए, 4 पेज में वो क्वेश्चन स्टॉप करके 1 पेज छोड़ दीजिए कि मेरा समय बचेगा तो मैं ऐड करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग का शुरू कर दीजिए 10 नंबर का। एक क्वेश्चन के पीछे मत पड़िए, एक क्वेश्चन के पीछे पड़ेंगे हमेशा 4 क्वेश्चन लॉन्ग है तो छूट जाते हैं, अब तो फिर भी कम हो गया, पहले तो 15 15 मार्क्स से आते थे, तो एक क्वेश्चन कवर करके
एक पे छोड़ दो, ताकि मैं सिर्फ लास्ट में जब 5 से 10 मिनट आपके बचते हैं, मान लो आपने 4 4 पेज कर दिए हैं, 4 4 पेज आपने ऐड कर दिए, ठीक है, 4 पेज आपने 10 10 मार्क्स कर दिए, एक एक पेज आपने छोड़ रखा है, लास्ट में 5 10 मिनट बचे तो आप उसको ऐड करो फटाफट फटाफट, उसको 5 पेज आपके कम्प्लीट हो जाएंगे, आपका पेपर भी नहीं छूटेगा, पूरा आपका 100 नंबर का पेपर कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये लिखने का कुछ तरीका होता है जो पेपर टाइम भी बचाता है और आपके पूरा क्वेश्चन भी कवर करता है, और इसको कुछ लोग लगातार करते रहते उनका लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाता है, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन छूटते हैं उनके, क्योंकि वो स्टार्टिंग से लिखते रहते और क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बड़ा कर देते, कोई क्वेश्चन छोटा कर देते, कोई और बड़ा कर देते, कोई और छोटा कर देते, तो उनका क्वेश्चन छूट जाता है, फिर वो मतलब बहुत ईजी से ईजी पेपर में भी कहते हैं मेरा क्वेश्चन छूट गया, फिर तो वो नहीं होगा। ये हमेशा क्वेश्चन कितना हमें तैयार करना, किस हिसाब से तैयार करना, ये ध्यान हो। जैसे रोग रोगी परीक्षा अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है रोग रोगी परीक्षा, कि अगर उसको प्रॉपर अगर देखा जाए तो वो 9 से 10 पेज में से बुक में कंप्लीट है, अगर उसका नोट्स देखा जाए 9 से। अब आप पता, पेपर अगर होगा तो 9 से 10 पेज को लिखने बैठेगा, नहीं लिखने बैठेगा, उसमें भी कितना कितना हमको पढ़ना है, कितना कवर करना है। 9 से अगर 10 पेज है तो 9 से 10 पेज में हमें उसका कितना सार निकालना है, जैसे संग्रह बोलते हैं ना कि संग्रह करो, तो कितना उसका, कितनी उसकी हमें समरी तैयार करनी है, ये पता होना चाहिए। कि अगर मान लो 9 पेज का कोई टॉपिक है, उसको हम कैसे 2 पेज में कवर करें, तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको कैसे हम 2 पेज में कवर करें, और अगर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो उसको कैसे हम 4 पेज में कवर करें, ये क्या नाम तरीका होना चाहिए। ये तरीका होगा तो सारे पेपर बहुत आसानी से इजीली हो जाएंगे, और जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है वो अपना जल्दी जल्दी टॉपिक रिवीजन कर लेंगे या टॉपिक मेन सुन लेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात उनका और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन था, और जिसको भी कोई भी डाउट हुआ क्वेरी हो वो अपना पूछ सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में या डॉक्टर हिमांशु से। बाकी कल से टाइम के पहले ही लिंक आ जाएगा, तो सब लोग पहले ही जो, क्योंकि मेरे पास पहले ही, मैं सबको बता दूं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम इशू रहता है, मैं बहुत टाइम निकाल के मतलब आप लोग को दे रही हूँ, मेरे पास टाइम ना के बराबर है, फिर भी मुझसे बोला गया, रिक्वेस्ट करी गई, तो इसलिए मैं, क्योंकि सेकेंड ईयर का पेपर है, सब लोग बोला गया, मुझसे कहा गया, तो इसलिए जिसको भी जो भी सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं पैथोलॉजी, अगर सब लोग आपस में डिस्कस कर लेना, अगर किसी को कोई और भी सब्जेक्ट पहले स्टार्ट वाला हूँ तो मुझे बता देना, नहीं तो फिर हम पैथोलॉजी ही कल से अपना स्टार्ट कर देंगे, और लिंक कल समय 10 मिनट पहले ही 15 मिनट पहले ही आ जाएगा टाइम को, तो सब लोग देख रहना व्हाट्सएप से, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी कोई भी हो तो अपना व्हाट्सएप में पूछ लेना, किसी को कोई पूछना तो नहीं कुछ, किसी के कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए डॉक्टर श्वेता से, कोई अगर डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर व्हाट्सएप में अपना पर्सनली आप मैसेज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू आपका बहुत समय देने के लिए।